anything good in it. किसी का मुंह नहीं आ रहा, किसी का शक्ल नहीं आ रहा, तो सब मुंह बंद कर रखा है। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो यहां आपको बताते चले कि अब प्रदर्शनकारियों ने अपना अगला निशाना रेलवे के बाद रेणु देवी जी, यहां बिहार की डिप्टी सीएम के घर को बनाया है। हम बात बेतिया की कर रहे हैं और सीधे आपको बेतिया भी लिए चलते हैं, जहाँ प्रदर्शनकारियों ने पूरे तरीके से डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर को घेर लिया है और जमकर तोड़फोड़ की जा रही है। गाड़ी की हालत देखिए आप, किस तरीके से गाड़ी के शीशे को चकनाचूर कर दिया गया है और सामने वाली बिल्डिंग से जो है फुटेज बनाई जा रही है और उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जितने भी छात्र हैं सबके हाथ में लाठी डंडे हैं और जमकर लाठी चलाई जा रही है। ये नहीं देखा जा रहा कि बिल्डिंग का कौन सा हिस्सा टूटने वाला है और जमकर बिल्डिंग में तोड़फोड़ की जा रही है। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको बेतिया की दिखा रहे हैं, जहां पर रेणु देवी का आवास है और वहां पे जमकर तोड़फोड़ मचाई गई है। आपको बताते चले कि आज सुबह से ही जो प्रदर्शनकारी है, जो अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में पूरे देश में बवाल मचा है। लेकिन खासकर जो बिहार से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है वो काफी उग्र तस्वीरें हैं। कई ट्रेनों को सुबह से लेकर अब तक आग के हवाले कर दिया गया है। पटना में भी जाप के नेताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन कुछ खासा असर नहीं दिख रहा। लेकिन बिहार के बाकी जिलों की अगर हम बात करें, चाहे मुजफ्फरपुर हो, जहां पर SSP ने स्थिति पे काबू पाया है, लाठीचार्ज कर लिए, चाहे सहरसा हो, जहां सुबह सुबह ही दो ट्रेन को जला दी गई, चाहे रोहतास हो, जहां पर बीजेपी कार्यालय को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। बीजेपी कार्यालय के ऊपर जो अभ्यर्थी है वो चढ़ चुके हैं और पूरी तरीके से बीजेपी कार्यालय को निशाना बनाया गया है। वैसे में अब जो अपडेटेड तस्वीर आई है वो ये कि अब रेणु देवी के आवास को निशाना बनाया गया है और रेणु देवी के आवास में जमकर तोड़फोड़ की जा रही है। ये तोड़फोड़ करने वाले कोई और नहीं बल्कि प्रदर्शनकारी है। आपको बताते चले कि इससे पहले भी नवादा में बीजेपी के नेता के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। इससे पहले भी कई बार बीजेपी के नेताओं के साथ ये हो चुका है और आज जो तस्वीरें आई है उसमें भी साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार जो प्रदर्शनकारी है वो बीजेपी के किसी भी नेता को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। वो उनका साफ कहना है कि ये जो अग्निपथ योजना है इसे किसी भी तरीके से वापस लिया जाए, वरना ये अनिश्चितकालीन जो प्रदर्शन है वो चलता ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। इससे पहले उन्होंने रेलवे को निशाना बनाया था, रेलवे ट्रैक को जाम किया, सड़क को जाम किया, NH को जाम किया, आगजनी की गई, ट्रेनों को आग के हवाले किया गया, कल बीजेपी नेता की गाड़ी तोड़ी गई, कल बीजेपी नेता के घर का घेराव किया गया और आज एक बार फिर से बीजेपी के ही नेता को निशाना बनाया गया है और रोहतास में बीजेपी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ हुई है। और वहीं बेतिया से जो तस्वीरें आई है कि बिहार की डिप्टी CM रेणु देवी, जो बीजेपी की नेता भी है, और उनके आवास को निशाना बनाया गया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से जमकर जो है लाठी चार्ज की जा रही है छात्रों के द्वारा, उस बिल्डिंग में जमकर तोड़फोड़ हुई है, गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा गया है। पूरा का पूरा जो वो एरिया है, पूरा का पूरा जो बिल्डिंग के आसपास का जो एरिया है वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, जमकर लाठियां बरसाई जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज पूरा दिन छात्रों के द्वारा कहां कहां और किस किस तरीके से कैसे प्रदर्शन होता है। आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।